तो जैन दोस्तों आ चुके हैं हम नए व्लॉग के साथ। तो आज की जर्नी हमारी होने वाली छायापुर से लेके अहमदाबाद, जो कि 112 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से लगभग। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, तो अभी टिकट ले लेते हैं। फिलहाल हमारी टिकट नहीं है, अब हम जनरल डब्बे में सफ़र करने वाले आज, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तब तक चलते हैं ट्रेन में। और ये हमारा छायापुर रेलवे स्टेशन, जो कि बाहर से ऐसा कुछ दिखता है। और अभी हम अंदर चलते हैं फिलहाल काउंटर पर, और आ चुके हैं काउंटर पर, अब टिकट ले लेते हैं दो जनरल की। और दोस्तों ये हमारी ट्रेन जाते हुए, हम इसी ट्रेन में सफ़र करने वाले थे, लेकिन ये ट्रेन हमारी जा रही है क्योंकि हम लेट हो चुके थे थोड़ी, तो इसलिए चढ़ नहीं पाए। तो इसके बीच में चढ़ना अलाउड नहीं है, थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए हम चढ़ नहीं पाए इस ट्रेन में। फिलहाल अभी ट्रेन दूसरी आने वाली है, वो पटना अहमदाबाद, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी 1 पे, और हम उसी ट्रेन में टिकट लिया है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों को, हम आ चुके हैं यहाँ पर, अभी हम बैठ चुके हैं। यहाँ टिकट लिया हमने जो दो जनरल की, और ये है पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस सुपरफास्ट है जो गाड़ी, जो हमने जनरल टिकट लिया है। अब देख सकते हैं 130 का टिकट हमको पड़ा है, 130 रुपये में टिकट दो जन का, ठीक ही है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से अहमदाबाद, तो अभी इस ट्रेन में सफ़र रहने वाला है। तो भाई धूप काफ़ी हो रखी है और हमें लगे प्यास, और हम जाते दुकान से पानी की बॉटल ले लेते हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, देख सकते हो टाइम पे ही है ऑन द स्पॉट, मतलब टाइम पे ही है, ज़्यादा लेट भी नहीं है। वो पहले वाली ट्रेन हमारी छूट गई थी, लेकिन ये ट्रेन टाइम पे है। अभी ये ट्रेन में हम चढ़ेंगे, और ये दो जनरल डब्बे इसके साथ आगे होते हैं, लेकिन हम पीछे बैठेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जनरल डब्बे में पीछे एकदम, और सारे बंदे वहाँ से उतर रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट वहाँ पे। देख सकते हो दोस्तों जनरल ट्रेन में हम आ चुके हैं, और इसकी हाँ भीड़ तो उतनी कुछ खास नहीं है इसका भी, ये देख सकते हो बहुत ही गंदा। ये एक्सपेक्ट मैंने ये किया था इससे कि जनरल ट्रेनों में यही होने वाला है। अरे हमारे प्रशांत भाई बैठे हैं यहाँ पे, और इस तरह का यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह होने वाला है, और इसी ट्रेन में हम सफ़र करेंगे अहमदाबाद तक। तो ट्रेन काफ़ी खाली है, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ट्रेन अहमदाबाद में मोस्टली सब खाली हो जाते हैं, पटना से आई है, तो फिर छायापुर में मोस्ट ऑफ लोग उतर गए हैं। तो 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद अब हमारी ट्रेन छायापुर स्टेशन से निकल चुकी है। और ये देख सकते हो आप कि ये बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे वडोदरा में, और काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, और यहाँ पे पिलर बनाने रेडी हो गए यहाँ पे। तो आने वाले कुछ सालों में आपको यहाँ पे बुलेट ट्रेन का भी आपको रूट अच्छे से नज़र आ सकता है देखने को, और उसमें भी हम ट्रैवल करेंगे। हम जिस स्टेशन से चढ़े, उस स्टेशन से सारे जनरल वाले बंदे खाली हो गए हैं, और अब देख सकते हैं ट्रेन कितनी खाली खाली है। तो अभी हम आ गए हैं नड़ियाद जंक्शन, यहाँ पे भी कुछ खास भीड़ नहीं है। और आ गए हम अभी मणिनगर, लेकिन यहाँ पे ट्रेन हमारी रुकेगी नहीं। तो ट्रेन हमारी अहमदाबाद जंक्शन पहुँचने वाली है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन का काम यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और कुछ समय बाद यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है एक स्टेशन बुलेट ट्रेन का। तो दोस्तों फाइनली हमारा सफ़र पूरा हो चुका है अहमदाबाद तक, 2 घंटे का सफ़र था,
क्योंकि हमने सोचा कि 2 घंटे सफ़र एक बार ट्राई करते हैं व्लॉग में, और आने वाले समय में आपको इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रूट का व्लॉग दिखाएंगे। और तो हमारा जर्नी ख़त्म हुआ, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर अहमदाबाद जंक्शन के। तो आप इसी ट्रेन में, हमारा 2 घंटे बाद जर्नी है जो कि अहमदाबाद जंक्शन से वडोदरा जंक्शन तक है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।